प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। इसाया का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य संख्या 10। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डामाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हाँ मेरे प्रिय विश्वासियों, पहाड़ क्यों ना टल जाए, पहाड़ियाँ डामाडोल क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु का प्रेम हमारे प्रति कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें यीशु के प्यार को ग्रहण करना है, उसके प्यार को महसूस करना है। हम सब इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु, प्रभु तू भला है, तू भला है, दयालु है, दयालु है, और अपने पुकारने और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है, वालों के लिए प्रेममय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु दयालु है। जब हम पूरी तरह अपनी जिंदगी से टूट कर बिखरने लगते हैं, तो उसका असीम प्रेम ही हमें जोड़ता है। प्रभु का वचन कहता है इसाया का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 16 में, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने अपने हथेलियों पर हमें अंकित किया है, वो हमें कभी टूटने नहीं देगा। और अगर हम अपने जिंदगी में कभी टूटते भी हैं, तो उसका प्रेम हमें वापस खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक माँ अपने दूध मोए बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, वैसे ही यीशु हमें अपने सीने से लगा कर रखता है। हम सभी इस सुंदर से गीत द्वारा उसके प्यार को महसूस करें और उससे कहें, प्रभु तू हमें कभी टूट कर बिखरने नहीं देगा। यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे,
मेगा वो गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। वचन कहता है स्रोत ग्रंथ अध्याय 84 वाक्य संख्या 12 में, ईश्वर हमारी रक्षा करता है, हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है, वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, वो वही ईश्वर है जो हमारी रक्षा करता है और वो हमारी रक्षा करना जानता है। हम हमेशा ये बात को हम अपनी जिंदगी में याद रखें कि जब प्रभु जीवन को बदलना शुरू करता है तो कई परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। जैसे वह वचन कहता है, दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा मानना सिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे ही हमें अपने जीवन में, अगर हमें दानियल बनना है तो हमें भी उस शेर के मात पे जाना पड़ेगा, अगर हमें भी मूसा बनना है तो हमें भी कुछ ना कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, और हमें भी अगर यीशु के मार्ग पर चलना है तो हमें भी वह क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना पड़ेगा। हाँ प्रिय भक्तों, जब हम निर्बल हो जाते हैं तो उसका प्रेम ही है जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, वह हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसके प्यार को हमें कभी किसी चीज से तोला नहीं जा सकता। आइए हम फिर से इस गीत द्वारा सामर्थ्य प्रदान करने वाले यीशु की हम स्तुति आराधना करें। मेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ्य यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा निर्बलता में मेरा सामर्थ्य यीशु मसीह का प्यार। Thank you, Jesus. जिसने अकेला छोड़ा मुझे, yes, Lord. ऐसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे तामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, yes, Lord Jesus. मेरे आंखों के आंसू। आइए हम सभी अपने हृदय की गहराइयों से उस नाम को ऊंचे स्वर में पुकारे जो यीशु नाम है, उस नाम को हम पुकारे। यस, यस नाम, यीशु नाम, यीशु तो उठाते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 यीशुए आराधना, 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 हालेलुया, 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 इसकी आराधना करें, इसकी स्तुति करें। वो परमेश्वर जिसका नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ यीशु की हम स्तुति करें, सबसे महान राजा की हम स्तुति करें, राजाओं की राजा की हम स्तुति करें। हालेलुया, प्रभुओं के प्रभु की हम स्तुति करें। ले 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 करने न देगा मुझे।
यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, कैसा अनोखा प्यार, कैसा अनोखा प्यार। थैंक यू जीसस। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी ददक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, 3-2 के विरुद्ध होंगे और 2-3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध, सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। इसमें से मैं वर्स 49 आज आपके साथ मनन करना चाहूंगी। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं। आग ईश्वरीय सानिध्य का एक चिन्ह है। मूसा ने झाड़ियों में आग देखा। जब इसराइली मिस्र देश से बाहर निकले तो आग के खंभे के रूप प्रभु की आत्मा उनके आगे आगे चली। जब नबी एलाइजा ने भेंट चढ़ाने के लिए भेंट को रखा वेदी पर तो स्वर्ग से आग उतरा। तो कई बार पुराने विधान में हम देख सकते हैं आग ईश्वरीय उपस्थिति, ईश्वरीय सानिध्य, ईश्वर के रूप के समान इस्तेमाल किया गया है। और वही हम देख सकते हैं प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1-4। पवित्र आत्मा आग के रूप में उन लोगों के ऊपर आ बसता है। आग की विशेषता यह है कि वह शुद्ध करता है, वह गर्म करता है, प्रकाश देता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन भी इस धधकती आग की तरह है। वह हमारे जीवन को शुद्ध करता है, वह हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को जला लेता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। और इस आग का एक विशेषता है कि जो भी उसमें आ जाए उसे वह स्वीकार कर लेती है, भस्म कर देती है। जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं तो यह आग हमें शुद्ध करता है, यह आग हमारी आत्मा को पवित्र करता है, यह आग हमें प्रभु के प्रकाश की ओर ले चलता है। लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं मैं आग बनकर आया हूं, मैं आग बनकर आया हूं, यानी प्रभु कोई भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहां तैयार नहीं है। क्यों प्रभु कहते हैं कि मैं फूट डालने आया हूं? प्रभु तो शांति का राजा है। इसयास नबी का ग्रंथ अध्याय 9 में पढ़ते हैं, जीसस इज किंग ऑफ पीस, शांति का राजा है। तो प्रभु यहां पर क्यों कहते हैं कि मैं फूट डालने आया हूं? इसका कारण यह है कि अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन को जिए तो हमारे रिश्तों में जहां पर हम लोगों को प्रभु से भी अधिक प्यार करते हैं, वो शायद अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, भाई बहन, लवर, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, वह प्रभु टॉलरेट नहीं करेगा, वहां पे प्रभु कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जरूर प्रभु अपना स्थान वहां पे ले लेगा वापस, तो वहां पर फूट होगी। प्रभु के वचन में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, हम कर भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ही प्रभु के वचन के अनुसार जब हम जिएंगे तो कई रिश्तों में दरारें आएंगी। एग्जाम्पल बता सकती हूँ, जब हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो एक सिगरेट पीना, एक पेग लेना, कुछ गंदा देखना, कोई कमेंट बोलना, कुछ गलत चीज करना,
फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल में हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वचन कहेगा ऐसा नहीं करना चाहिए। कई वर्ष पहले करीबन 1990s में मेरे पापा ने ड्रिंकिंग करना स्टॉप किया था। वो सिर्फ सोशल गैदरिंग्स में लेते थे, लेकिन 1990 में उन्होंने प्रभु का अनुभव किया और उस दिन उन्होंने स्टॉप किया। 33 years past। मुझे पता है मेरे पापा को सोशल गैदरिंग्स में बहुत लोग चिढ़ाते थे, बहुत ताना मारते थे। जहां पर उनके फ्रेंड्स गैदर होते थे उन्हें वहां नहीं बुलाते थे, जबकि वो एक मैनेजर पोस्ट में थे, फिर भी लोग उन्हें अवॉइड करते थे, चुगली करते थे। वे उनके साथ उनका एक अपना दोस्त जैसा नहीं मानते थे। इसका कारण यह था कि पापा ने चूज किया था कि मैं वचन के अनुसार जीऊंगा। जब हम वचन के अनुसार रहने के लिए अपने आप को समर्थन देते हैं तो हमसे बहुत सारे रिश्ते कट जाएंगे। आप कोशिश करना, आज के दिन आप ठान लेना कि सुसमाचार के अनुसार या पवित्र वचन के अनुसार आज मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, गलत नहीं बोलूंगी, गॉसिप नहीं करूंगी। आप देखना, आज आपके फ्रेंड्स आपके पास कम आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन धधकती आग के समान है। वो हमारे अंदर से अशुद्धता को, अपवित्रता को जलाकर भस्म कर देता है और अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित कर देता है। आइए हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में प्रमुख स्थान हम प्रभु को ही दे, ताकि प्रभु का प्रकाश हमारे अंदर हो। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। कई बार हमने सुना है कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है, लेकिन संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु बहुत क्लियरली कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ। उन्होंने अपने आप को रोटी के रूप में हमें दिया है। उन्होंने कहा, जो मुझे खाता है, जो मेरा रक्त पीता है, मैं उसके साथ एक हो जाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, आज जीवित प्रभु यीशु के सामने हम यहाँ बैठे हैं। वो रोटी के रूप में है, उसकी महिमा को ढके हुए है, क्योंकि उसकी महिमा के सामने हम कभी निरे मनुष्य खड़े नहीं रह सकते। लेकिन इस रोटी में वही यीशु है जो 2000 वर्ष पूर्व अपने चेलों के साथ चलते थे, फिरते थे, रोगियों को चंगाई देते थे, अपदुग्रस्तों को छुटकारा देते थे, सभी लोगों के पापों को क्षमा करता था। आज उसी यीशु के महिमामय उपस्थिति में हम आए हैं उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। आइए इस विश्वास के साथ कि प्रभु मुझे चंगा कर देगा, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हें स्वस्थ प्रदान करने वाला ईश्वर हूँ। yes. बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें भाई एग्नेस बारला के लिए। प्रभु जी उनके लिवर के सभी रोगों को समर्पित करते हैं। ब्लड कैंसर से पीड़ित इस भाई के जीवन में आपका स्पर्श हो प्रभु जी। आपने कहा है याकूब के पत्र अध्याय 5:15 में, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करता है। हाँ प्रभु जी, विश्वास पूर्ण हम प्रार्थना करते हैं कि हर वो कैंसर भाई बहन जो इस क्षण प्रार्थना कर रहे हैं, वे सभी के सभी चंगे हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एमिली डोंगवार के लिए प्रभु जी, जिनको ब्रेन स्ट्रोक आया है प्रभु जी। प्रभु जी आप उन्हें स्पर्श कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सरोज डुंडुंग के लिए प्रभु जी, जो निराशा और दुखमय जीवन जी रहे हैं,
उनके मन से निराशा और दुख को हटा दीजिए। प्रभु आपने फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में आपने हमसे कहा, रिजॉइस ऑलवेज इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु जी वह आनंद आप हमारे और इस बहन के जीवन में दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं रानसम कार्लो के लिए और नेहा टोपो के लिए, प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और प्रभु जी उन्हें एक अच्छी नौकरी दीजिए। प्रभु इस क्षण आराधना में भाग लेने वाले हर वो भाई बहन जो निराश है, हताश है, उन्हें हम समर्पित करते हैं। प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा जो इस दुनिया में कोई तुमको नहीं दे सकता, ना कोई तुमसे छीन सकता है। प्रभु जी वो पवित्र आत्मा का आनंद हमारे जीवन में दे, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 29 से 31, प्रभु का वचन हमसे ये कहता है, वह थके मांदे को बल देता है और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पर विश्वास करते हुए हमारे जीवन के हर निराशा को, हर दुख को, हमारे शरीर के हर बीमारी को, हर प्रकार की थकावट को प्रभु को समर्पित करें और विश्वास करें कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, वह हमेशा नई स्फूर्ति से भर जाएगा। प्रभु इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं बहन इंदु खालको और उषा खालको के लिए, ताकि प्रभु उन्हें सुयोग जीवन साथी मिल जाए। हम प्रार्थना करते हैं विपिन खालको, शीला खालको और तारसियुस के लिए, प्रभु जी हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से ने संपूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। प्रभु हम बहन सफीरा निकुंज को समर्पित करते हैं जो लकवास से पीड़ित है। प्रभु जी प्रभु आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 3 में कि आप हर वो रोगी जो शैया पे है उसके पास जाकर उसे चंगाई देते हो। प्रभु जी लकवा से पीड़ित इस बहन के जीवन में आपकी आशीष हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई सुनील खुजूर और पॉलिना कुल्लू के लिए, प्रभु जी प्रभु संतान का वरदान इनके परिवार में दीजिए। प्रभु जी ऐसे कई लोग हैं जो अपने परिवार में, अपने रिश्तों में दरारों के कारण निराश है, हताश हो चुके हैं, कई रिश्ते जो डिवोर्स के कगार पे हैं। प्रभु विशेष रूप से हम जॉन को समर्पित करते हैं, एरिस को समर्पित करते हैं, ऐसे सभी भाई बहन सविता को समर्पित करते हैं, सबीना को समर्पित करते हैं जिनके रिश्ते प्रभु जी डिवोर्स के कगार पे हैं। इन सब के जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु जी, इनके इस दुखमय क्षण में प्रभु आपकी उपस्थिति इन्हें धारस दे प्रभु जी। प्रभु आपके प्रेम से इनके सभी रिश्तों को आशीषित कीजिए प्रभु जी। हर वो परिवार जो अशांति में डूब गया है, हर वो परिवार जहाँ पर रिश्तों में दरारें हैं, ओ प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा हर प्रकार की नेगेटिविटी हट जाए प्रभु जी, शक हट जाए प्रभु जी, नफरत हट जाए प्रभु जी, गिले शिकवे हट जाए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से वहाँ प्रेम की स्थापना हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ जीसस जीसस जीसस, ओ तेरी स्तुति 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 आराधना।
आशीष के दौरान हम विशेष रूप से परिवारों को समर्पित करते हैं, जहाँ पर रिश्तों में दरारें हैं, डिवोर्स के कगार पे है, प्रेम का अभाव है। ओ प्रभु, इस आशीष के दौरान हर प्रकार की नेगेटिविटी हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, अशांति दूर हो जाए। प्रभु, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा। यह वचन हमारे परिवार में पूरा हो प्रभु जी, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आराधना, 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 आराधना। थैंक यू जीसस, जीसस, सर्व जीसस, 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 जीसस। बातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है।